अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखा मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। प्रश्न नंबर वन है, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये जो वन है ये वन की डायग्राम है, और ये जो क्वेश्चन टू है ये उसकी डायग्राम है। तो बहुत सिंपल से दोनों क्वेश्चन है। ए बी सी उसने एक दे दी है, एक कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फिगर, कह रहा है कि ए जो है ये फाइंड करनी है। ये देखें, एक ट्राइंगल है। अगर एक ट्राइंगल है तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 के इक्वल होते हैं, कि जो एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल को ऐड करने से 180 बनता है। तो एक एंगल हमारे पास 8 डिग्री है, दूसरा हमारे पास 90 डिग्री है, तीसरा हमारे पास 65 है, और टोटल 180 हो गए। यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, इन तीनों को ऐड किया तो 180। तो 8 डिग्री जो है वो हमारे पास कितना हो गया जी, इसमें 155 इज इक्वल टू 180 हो गए। तो 8 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 155। तो एज की जो वैल्यू हमारे पास 155, तो 180 में से आपने 155 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ 7 10 10 में से 5 गया, 5 7 में से 5 गया 2, तो 25 डिग्री। तो इतना सा बस ये क्वेश्चन था, जो वन हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन वन है वो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है जी क्वेश्चन टू की, ये वाला क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है डायग्राम में कि इन द फिगर ए बी ए सी एंड बी सी इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये देखो, उसने एक सिंगल लाइन इस ए सी के ऊपर लगाई हुई है, और एक सिंगल लाइन जो है ये देखो बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर सिंगल लाइन लगाई हुई है। कह रहा है कि जो ए सी है, इधर ही कह रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन ही है। ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के। अगर ये इक्वल है लाइन, तो इसका मतलब है ये एस 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 ट्राइंगल है। अगर एस 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 ट्राइंगल है तो उसमें ये होता है कि दोनों जो एक जैसी ट्राइंगल होती हैं उनके साथ नीचे बेस में बनने वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दैट इज इक्वल टू बी डिग्री, दोनों बी के इक्वल है। अगर यहाँ बी बन रहा है, ये उसने दिया हुआ, ये नहीं दिया होता, ये बी मैंने खुद लिखा है, ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि ये जब दोनों लाइन इक्वल हैं, ए सी और बी सी इक्वल हैं, तो उनके साथ बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल को यही फार्मूला लगाएंगे जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो एक हमारे पास क्या है, देखो बी डिग्री प्लस 52 डिग्री, ये 52 है, बी 52, ये तीनों एंगल जो है इनका सम 182 होता है। तो ये कितने बी हुए, एक और एक, दो बी, और ये जो 52 है उधर जाके क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा 52। तो हमारे पास जो 2b है वो कितना आ जाएगा जी, 52 180 में से 52 माइनस कर लो, कैरी लो, 7 इधर 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए तो 2, और ये क्या आ जाएगी 120 एट बच जाएगा 128। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 128 के नीचे 2 डिवाइड होगा, तो 2 6 12 और 2 4 8, तो 128 है उसको, ऐसे थोड़ा साफ करके लिख लेते, 128 को नीचे 2। अब जब 2 डिवाइड करोगे तो b इज इक्वल टू 2 6 12 और 2 4 8, तो 64 आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल जो है आपके पास 64 डिग्री आ जाएंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस नंबर वन जो था, वन और टू इसमें क्वेश्चन थे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब जो है हमारे पास प्रैक्टिस नौ नंबर थ्री, उसके क्वेश्चन नंबर वन जो है उसने ये दे दिया, क्वेश्चन नंबर टू जो है वो ये दे दिया। क्वेश्चन नंबर वन में वो उसने दे दिया कि ए बी सी डी ए क्या है, रेक्टेंगल है, जबकि उस पर ना एक ई पॉइंट है। यानी आपको ऐसे में आसान अल्फाज से समझाता हूँ, ए ई एक पॉइंट है जिसमें सी डी और यानी सी ई डी यूँ, यानी एक हमारे पास एक इधर एक एंगल बन रहा है, और सी डी और डी बी ई डी ई, सी ई और डी ई इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जबकि डी सी ई जो है 68 दे दिया, ई डी ए या ए डी ई देखें तो ये 51 दे दी। यानी उसने एक एंगल हमें 51 यहाँ दे दिया, ये वाला उसने 68 दे दिया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। एक पूछ रहा है ए ई डी, यानी एक मैं इधर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, एक ये चीज़ मैंने फाइंड करी।
दूसरा सी ई डी, इधर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दूँ। यानी ये दो चीज़ें जो है ना, असल में मैंने दो एंगल फाइंड करने, एक यहाँ पर एक एंगल मेरा बनेगा और एक एंगल मेरा कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर एंगल बनेगा। यानी ये दोनों एंगल मैंने फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बाद में आते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैं ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसको मैं यहाँ बता दूंगा कि इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए ई डी इज ए ई डी, जिसमें मेरे पास एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के इन चारों कोनों में जो एंगल होते हैं वो 90 के बन रहे होते हैं, ये सारे एंगल 90 के बन रहे होते हैं। तो इसमें ये 90 का है, ये 51 का है, तो मुझे पता है कि जो सम ऑफ थ्री एंगल्स होते हैं वो 180 के इक्वल होता है। तो इसमें मेरे पास एंगल मेजरमेंट, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये एम जो मैंने डाला है ये मेजरमेंट को शो करता है, ठीक है, मेजरमेंट, एम से मुराद मेजरमेंट, मतलब कोई भी जो उसकी वैल्यू आएगी ना वो 180। अब इसमें मेरे पास जो ए है वो 90 है, अच्छा सॉरी ए ई डी, ए ई एंड देन डी 90 है, और एंगल ई जो है वो मैंने फाइंड करना है, जो एंगल डी है वो 51 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे पास ये दोनों ऐड होके कितना बन जाएंगे, 140 प्लस मेजरमेंट एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह मेरे पास, अच्छा वन, ये जो ये है, मैं नीचे लिखता हूँ आपको बताता हूँ, ये जो एंगल ई है ये कौन सा है, ए ई डी, आप इसकी जगह, इसकी जगह ए ई डी भी लिख सकते हैं, ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो इसका ये तरीका है, दूसरा इसका ये तरीका है, मतलब आप यूँ भी लिख सकते हैं, मैं आपको अब इधर जाके इसको माइनस में तो 180 आपके पास आ जाएगा। दूसरा इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ मज़ीद, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो ये है कि ये दोनों एंगल मुझे दिए हुए हैं और ये मैंने फाइंड करना है, तो जो मेरा एंगल है ना ए ई डी इज इक्वल टू, क्योंकि ये ट्राइंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है, इन सारों का जो सम है वो 180 होता है। अब 180 में से दो एंगल जो मुझे उसने दे दिए हैं ना, उन्हें मैं ऐड करके इस 180 से माइनस कर लूंगा तो मेरा तीसरा एंगल आ जाएगा। इस इक्वल टू 39 डिग्री। सिंपल सी बात है कि ए ई डी आप इस तरह शॉर्ट में निकाल सकते हैं। प्रोसीजर दोनों ठीक हैं, कोई गलत नहीं है, वो भी आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इस हम क्या करें कि जब भी आप दो एंगल को आप जमा करते हैं, दो एंगल को ऐड करके तीसरा एंगल आपके पास क्या होता है, निकल आता है। दो एंगल को ऐड करके 180 से माइनस करें। दूसरी चीज़ मैंने क्या फाइंड करनी है, सी ई डी फाइंड करना है। अब देखिए सी ई डी फाइंड करने के लिए बहुत आसान सी बात है, एक चीज़ मैं पहले लिखता हूँ कि जो मेरे पास एंगल है ना डी सी ई इज इक्वल टू डी सी ई इज इक्वल टू बी ई सी, मैं बाद में आपको बताता हूँ बी ई सी इज इक्वल टू 68 डिग्री अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब देखें ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से इधर जाएं और इधर से इधर आएं तो ये जो बीच में एंगल आता है ये वाला एंगल, इधर से इस तरफ आएं और इधर से इधर जाएं तो ये वाला एंगल, यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये वाला तो मैंने फाइंड कर लिया ना, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ कितना है 39, क्वेश्चन मार्क खत्म करते हैं। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्यों अल्टरनेट है, इसलिए क्योंकि जो आपकी ए बी है और जो सी डी है, ए बी और सी डी दोनों दरअसल आपके पास क्या है, पैरेलल लाइन है। अब जब पैरेलल है तो पैरेलल को जब एक ऐसे एक लाइन कट करेंगे तो इसलिए उस पर यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ये दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए मेरे पास जो एंगल बनेगा बी ई डी, ये दोनों वो ये कितना गया 68 आ गया। अब ये यहाँ पर बीच में मेरे पास एक चीज़ बच गई जिसको मैंने फाइंड करना। अगर आप देखें तो आपके पास ए ई बी है, ठीक है, ए ई बी ये ई पॉइंट है, इस पर ये पूरे का पूरा, क्योंकि ए ई बी इज अ स्ट्रेट लाइन,
इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर टोटल एंगल जो है वो कितना होता है जी 180 का। अब उसने ये किया कि इस 180 को तीन हिस्सों में काट दिया, एक 68 हमें पता है, दूसरा क्या है 39 है, तो लाजमी बात है दरमियान वाला क्या होगा, 68 और 39 को प्लस करके 180 में से निकालेंगे तो दरमियान वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो सी ई डी इज इक्वल टू 180 माइनस क्या करेंगे 39 प्लस 68, तो सी ई डी इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 68 में 39 ऐड कर लो 17 एक 3 107 तो पीछे कितना बचेगा जी 73 डिग्री, कितना आ जाएगा जी सी ई डी इज इक्वल टू 73। कैसे 180 में से 107 माइनस कर लो, इधर से कह लिया 7 अगर 10 10 में से 7 अगर 3 73 तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, दोनों हमने क्या कर ली फाइंड कर ली। वीडियो को बेशक पास करके इसके समझा लें ताकि हम जो सेकेंड पार्ट है इसका पार्ट टू वो करें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सिर्फ दूसरा पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी आपस में क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जो होती है उसकी ये जो साइड होती है वो जो साइड होती है इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर होती है, इसी तरह ये वाली भी पैरेलल टू ईच अदर इक्वल इन लेंथ होती है, इसलिए जो उसका डायगोनल होता है जैसे ये वाला इसका डायगोनल है और ये वाला इसका डायगोनल है, तो जो डायगोनल होते हैं वो एक जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं ना, तो जिस जगह वो कट करते हैं तो वो जो डायगोनल होता है वो दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो ए सी था, ए सी एक डायगोनल था हमारे पास, जब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट किया तो जो ए ई था वो इक्वल हो गया ई सी के, यानी जितना ए से ई तक डिस्टेंस है इतना ही ई से सी तक डिस्टेंस है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो जितना ई से बी तक है, जितना ए ई से बी तक है इतना ही ई से सी तक है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की क्या है इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि ये एक एसेसिस साइड है। अगर मैं इसको बीच में से निकाल लूं ट्रायंगल को तो ये मेरे पास ई आ जाएगा, ये मेरे पास सी आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बी है, यहाँ पर इसका एंगल 63 बन रहा है, तो ये साइड क्योंकि इस साइड इक्वल है कि मैं पहले बता दूं मैं कौन सी है ट्रायंगल बी सी ई, बी सी ई में ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसमें मेरे पास क्या है कि बी ई जो है वो इक्वल है सी ई के, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, सो जो एंगल हमारे पास बनेगा एंगल सी वो एंगल बी के इक्वल होगा और वो दोनों कितने होंगे 63 के इक्वल, क्योंकि एसेसिस ट्रायंगल के जो लाइनें आपस में इक्वल इन लेंथ होती हैं उनके नीचे पांव के साथ बनने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये क्या क्योंकि ये रूल है कि दोनों एसेसिस ट्रायंगल है इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमने निकालना है एंगल बी ई सी का, तो बहुत आसान सी बात है बी ई सी इज इक्वल टू, क्योंकि ये पूरी जो ट्रायंगल है इसके तीन जो एंगल होते हैं सम ऑफ इंटीग्रेट एंगल आफ्टर ट्रायंगल 180 होता है, 180 में से दो एंगल जो है उसने क्योंकि मुझे दे दिए हैं तीसरा मैंने निकालना है तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा 126 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 54 डिग्री आ जाएगा बी ई सी, ठीक है बी ई सी मेरे पास कितना आ गया 54 डिग्री आ गया, ये 54 यानी यहां पर 54। दूसरा जो मैंने फाइंड करना है सी डी ई, सी डी ई, अब सबसे पहले मैं यही करूंगा कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ऐसे रखो कि डी सी ए इज इक्वल टू 90 माइनस 63। अभी बात हो सकती है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है इसलिए इसके कोने में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब ये यूं इस तरह एक 90 डिग्री का एंगल था उसको काट
कट किया गया, तो उसका ये पार्ट 63 उसने ले लिया, तो दूसरा पार्ट हमें लाजिम बात है इसी 90 में से 63 निकाल लेंगे तो ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हमने ये काम किया है कि ये जो एंगल है डी सी ए ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, 90 में से ये नीचे वाला पार्ट निकाला तो 90 में से 63 माइनस का 8 10 7 और 27 तो कितना आ गया 27 हमारे पास कितना आ जाएगा 27 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 ही आ जाएगा सी डी ई, क्योंकि सी डी ई मैं कंफर्म कर लूँ सी डी ई यस सी डी ई है। अब क्यों सी डी ई आएगा उसकी वजह यह है कि ये देखें ये वाला मैं बी में से पार्ट निकाल रहा हूँ, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास क्या है डी है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है ई है, यहाँ पर कितना है 27 मैंने अभी देखो यहाँ पर भी निकाला। अब तो ये वाली साइड इस साइड क्या है पैरेलल है तो मैं यहाँ लिख दूंगा इन ट्राइंगल कौन सी सी डी ई, सी डी ई मेरे पास क्या है जी ई डी जो है वो इक्वल है ई सी के और सो जो मेरे पास एंगल सी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, वो दोनों 27 के इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड जो है आपस में इक्वल है, इसलिए इक्वल साइड जो है वो एसएसएस ट्रायंगल होती है और उसके इक्वल साइड के साथ जो नीचे जो एंगल होते हैं वो सेम बनते हैं, तो इसलिए मेरे पास सी डी ई जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा सी डी ई इज इक्वल टू 27 है, ये देखें मेरे पास ये आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास जो प्रैक्टिस नंबर 4 है वो हो गई है कंप्लीट जी। प्रैक्टिस नंबर 4 का जो क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है इसमें वो हमें दे दिया कुछ चीज़ें उसने हमें दे दी, एक उसने सी बी ए जो है 108 दे दिया ये पॉइंट ई है ठीक है, और बी सी ई जो है वो 38 दे दिया, कह रहे कि एक्स फाइंड करो। इसके अलावा उसने हमें एक और चीज़ फाइंड करने कह रहा है डी सी ई डी सी ई यानी जीवन का जो एंगल है ये कह रहे हैं कि फाइंड करो, और गिवन में हमें दे रहा है कि ए बी सी ए बी सी जो है ना वो इक्वल है 9x के, इसके इक्वल है 9x के, मतलब ये कि यहाँ पर उसने हमें क्या दे दिया है 9x के ठीक हो गया। दूसरी की तरफ हम बात करते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब देखने का क्या होगा कि जो सी डी ए है सी डी ए है वो इक्वल है किसके ए बी सी के, ए बी सी के क्यों इक्वल है ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल किसके हैं पैरेललोग्राम के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के हमेशा इक्वल होते हैं। मकसद कहने का यह है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो ऐसा है कि ये जो है सी डी ए हमारे पास कितना है 108 है लेकिन सी डी ए 108 है और दूसरा जो है ए बी सी 9x है, तो 108 डिवाइड ये 9 मल्टीप्लाई हुआ है इतना डिवाइड हो गया एक्स 9 1 9 9 2 18 तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई जो उसने हमें कहा था फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर ली दैट इज 12। आगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी जो चीज वो हमसे पूछ रहा है वो ये एंगल पूछ रहा है डी सी ई डी सी ई, ये एंगल हमने क्या करना है फाइंड करना है, ये जो एंगल हमें फाइंड करना है तो पहले ऐसा करते हैं कि हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे और इसी का ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, बहुत आसान सी बात है। तो हम क्या क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि इन ट्राइंगल बी ई सी बी ई सी हम ट्राइंगल है ठीक है बी सी ई ट्राइंगल है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो एंगल है ना ई एंगल ई कौन सा एंगल ये वाला एंगल ई ये इक्वल होगा किसके 180 माइनस 38 डिग्री प्लस 9x के,
कैसे? क्योंकि एक ट्रायंगल है इस चीज की, ये एक दो तीन एंगल टोटल का जो सम है वो 180 होता है। ये तीन एंगल में से दो उसने हमें दे दिए, जो तीन एंगल में से दो दे दिए उन तीन दो दे दिए उन दो एंगल को हम तीसरे में से निकाल देंगे तो हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। मैं फिजिक्स एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दें। अब देखिए 38 + 9 मल्टीप्लाई बाय 9x उसने हमें दे दिया। ये देखिए 9x किसकी इक्वल दे दिया उसने हमें 108, इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा 108, क्योंकि ये आपस में टाई है ना, ये आपस में इक्वल हो गए। तो अब एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 में से 38 क्या कर लो माइनस कर लो, ठीक है? तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 8 जीरो, 10 में से और सॉरी ये ऐड कर दें 8 और 8 16, 1k और 146 आ गया। एंगल E इज इक्वल टू 180 में से 146 को माइनस करो तो पीछे 4 बचेगा और 34, तो कितना आ गया 34 डिग्री आ गया। अब ये जो एंगल है ये मेरे पास कितना आ गया 34 है आ गया, ठीक है? अब देखिएगा कि बी सी ई बी सी ई इज इक्वल टू बी ई सी बी ई सी इज इक्वल टू 34 डिग्री। अब ये चीज गौर से समझिए, मैं कंप्लीटली जो मैंने फाइंड किया था देखो डी सी ई डी सी ई इज इक्वल टू 34 डिग्री, देखो जो मैं फाइंड करना था मैंने फाइंड कर लिया डी सी इज इक्वल टू 34 डिग्री में आपस में। अब मैंने ये कहा उसे कि जो मेरा एंगल है ना डी सी ई ये वाला एंगल बी ई सी बी ई सी ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, इसके आगे मैंने क्या लिख दिया है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्यों अल्टरनेट एंगल कि जब ये दो साइड है पैरेलल हो रही है, देखो ये साइड साइड के पैरेलल हो उनको एक लाइन कट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे ऊपर, तो इस तरह दो चीजें मैंने फाइंड करनी थी, दोनों चीजें मैंने फाइंड कर ली। ये वाला जो एंगल ई निकाला मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ई मैंने इसलिए 180 में से ये दो निकाले इसलिए क्योंकि ये एक ट्राइंगल है बी ई सी एक ट्राइंगल है, इसके ये वाले दो एंगल मुझे दिए हुए थे। जब भी आपको एक ट्राइंगल के दो एंगल गिवन हो जाए आपने मालूम खुद किए हो तो तीसरा एंगल निकालने के लिए आप ये करते हो कि जो दो एंगल गिवन है उनको क्या करोगे ऐड करके 180 में से जब माइनस करोगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। अब आप चेक करना चाहें तो ये एंगल जो है 108, 38 और 34 को ऐड करोगे तो 180 बनेगा। तो इस तरीके से हमें दो जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो हमने कर ली थी। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस नंबर 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का। अच्छा इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन इसमें भी कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और फाइंड हमने ये करना है x और फाइंड x एंड y, यानी x को भी हम इसमें से फाइंड करना है और y को भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे कि 5x + 6 + 2x + 13 is equal to 180 इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखेंगे इन दो एंगल को मैंने ये बात कही है कि इन दोनों एंगल को मैं ऐड करूं ये 180 बनता है। अब बात ये है कि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये वाली साइड जो ए बी है और सी डी है ये दोनों साइड क्या है पैरेलल साइड है, क्या है पैरेलल साइड, ए बी सी डी पैरेलल साइड है, इसलिए जब भी पैरेलल साइड हो और उनको एक लाइन ऐसे कट कर दी हो तो उनके जो अंदर एंगल बनते हैं इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये वाला और ये वाला इंटीरियर एंगल है और इस तरह इन दो एंगल को इंटीरियर एंगल को ऐड करो तो 180 होता है, ठीक है? दूसरी तरीका आप यूं भी इसको समझ सकते हैं कि क्योंकि ये पैरेलल लाइन ऐसे जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो बढ़ जाएंगे, तो अब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के अंदर नेट एंगल होगा जैसे मैंने शुरू में बताया था, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 13 आ जाएगा। तो अब देखो
ये पूरे का पूरा एंगल आपके पास आ गया कौन सा 2x + 13 और 5x + 6 तो 180 के इक्वल होता है। देखो मैंने 180 लिख दी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको अल्टरनेट एंगल ट्राई करें, लेकिन देखा जाए कि एक रूल है आपको अलाउ करता है कि ये देखो जब इंटीरियर एंगल है और दो इंटीरियर एंगल को ऐड करने से 180 बनता है और कौन सा इंटीरियर एंगल वो जो पैरेलल साइड हो। आई इंटीरियर ये एंगल का निशान है, इसलिए एंगल्स ऑफ डबल लाइन लगा के ऐसे सीधी लाइन लगा उसका मतलब तो पैरेलल पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ब्रैकेट पहले तो हटा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो तो 180। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो क्योंकि लाइक चांस है 5 और 2 7 x और 19 = 180। 7x = 180 - 19, तो 180 में से 19 को माइनस करो 7, 10 में से 9 है 1, 10 में से यस ठीक है 10 में से 9 है 1, 7 में से कितना है 1 है 6 और 161। चेक कर के 5x + 6, अच्छा ये 5x + 6 एंड 2x + 13। ठीक है 5x + 6 एंड 2x + 13 तो ठीक है 5 और 2 = 7 इधर आ गया 161। ठीक हो गया 6x = 161। आप रूम चाहे बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। 23 आ गई। अब आप बस अगेन आप यूं कर सकते हैं कि 5x + y ये दोनों भी आपस में क्या है पैरेलल है इंटीग्रेट है। इसी तरह आप ऐड करके 180 की इक्वल करके y क्या है एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको ये कह बता रहा हूँ कि 2x + 13 = y + 17 कि ये जो है ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? इसलिए इक्वल है इसके आगे लिखो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कि जो पैरेललोग्राम होती है ना उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो इसलिए 2x के लिए क्या करोगे 23 + 13 - 17 = y। अब क्या होगा ये 17 की तरह के माइनस हो गया y को इधर रहने दिया क्योंकि y आपने फाइंड किया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 + 13 - 17 = y। अब इन दोनों पहले में ऐड करता हूँ 6 और 3 = 9, 4 और 1 = 5 - 17 = y। अब इस पास कितना हो जाएगा जी y = 9 में से 7 है 2, 5 में से मान गया 42। तो इस तरह मेरे पास ये y की वैल्यू 42 आ गई और x की वैल्यू 23 आ गई। तो इस तरह मेरे पास जो प्रैक्टिस नंबर 4 है वो कंप्लीट होगी।